वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आपके नए चैनल में, नए ब्लॉग में। हाँ। तो गाइज, मैंने आपको है ना खेत वाले उसमें अपना मंदिर दिखाया था और कहा था कि मैं किसी और दिन आपको है ना अंदर से दिखाऊंगी। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ अपने पूरा मंदिर, क्योंकि हमारा मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए भाई चलते हैं। अब देखो, इसकी बड़ी मम्मी को साथ लेने के लिए आई हुई हूँ, इसको लेके चलेंगे साथ। देखो सबसे आगे भाग गई, देखो वो जा रही है। हेलो तो कर दो, कर दिया हेलो। तो चलिए चलते हैं। गाइस देखिए, ये हमारे गांव की चौपाल है, वैसे हम इसे चपाड़ कहते हैं, कई जगह इसे चौपाल भी कहते हैं। अभी देखें, यहाँ पे पेंट वेंट करके इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से है ना मेंटेन कर रखा है। अंदर पूरा देखिए, टैल वैल लगा रखी है, पेंट करवा रखा है, वहाँ पे अंदर बैठे भी हैं। तो चलिए अभी हम आगे चलते हैं, देखिए हमारा मंदिर बाहर से कैसा दिखता है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये है मेन गेट और देखिए यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे और ये गमले लगा रखे हैं। देखिए इस साइड भी लगा रखे हैं ये, देखिए वहाँ पे, देखिए वहाँ पे है ना बैठने के लिए है ना स्पेस दे रखा है, किसी को बैठना हो तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। ये वॉशरूम बना रखे, अगर पंडित जी वगैरह रहते हैं ना यहाँ पर, यहाँ पर पंडित जी रहते हैं, हाँ उनके लिए ये वॉशरूम वगैरह है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर बैठने का इतना अच्छा रखा है, शाम को यहाँ पर काफी आदमी बैठते भी है। मैं पहले यहाँ बिल्कुल बीचों बीच एक पेड़ हुआ करता था ना, वो काट दिया। हाँ देखिए, ये बैठने के लिए ये लगवा दिए, बेंचेस लगवा दिए कि बैठना हो किसी। ये हमारा शनि मंदिर, ये शनि मंदिर है देखिए। मम्मी यहाँ पे टेंट किस लिए लगवा रखे हैं? यहाँ पर भाई वो हुई थी भागवत कथा, अब कल उसका वो हुआ है समापन, यहाँ पर भागवत कथा हो रही थी हमारे यहाँ पर, हाँ तो कल हुआ है, तो यहाँ पर उसका समापन हो चुका है, अब भंडारा होगा थोड़े दिन में, तो इसीलिए। तो चलो अंदर से दिखाते हैं आपको अपना मंदिर, आइए। तो देखिए ये है हमारा मंदिर, देखिए कैसा दिखता है ये। तो चलिए अब हम अंदर चल के दिखाते हैं आपको। देखो ये बहुत गर्म है, ये हमारा शिव मंदिर है, देखिए ये, देखिए ये हमारा शिव मंदिर है, ये देखिए, आप भी आशीर्वाद ले लीजिए सभी आज। मैं भी बचाऊंगी, तो चलिए अब हम दूसरे मंदिर में दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पे है ना स्पेस दे रखा है, यहाँ पे मंदिर के साइड में, यहाँ पे अगर किसी को पानी वगैरह पीना हो तो यहाँ से पानी पी सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं। किसके है मम्मी रूम? ये रूम्स पंडित जी रहते हैं ना जो, उनके लिए बना रखी है, यहाँ पर कोई भी रह तो उनके लिए ये रूम बना रखी है। तो उधर बनने लग रहा है अलग, एक और नया, चलो उधर दिखा देते हैं, हाँ आगे पीछे तक दिखा के लगते हैं। ये देखो यहाँ पर एक भागवत कथा हुई है कई दिनों, तो बहुत सारी वो होती थी, इसीलिए पहले नहीं दिखाने के लिए लाए हम यहाँ पे, चेयर वगैरह भी रख रखी है बैठने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर बड़ का पेड़ है, कितना बड़ा। किसका पेड़ है मम्मी? बड़ का देखिए कितना बड़ा है ये पेड़, ये देखिए। और ये देखो वहाँ पर भी है, ये पीपल का पेड़ है, वो बड़ का पेड़ है। वही यहाँ पे क्या ये चुहा था, कुंड है जो मंदिर में जब हवन होता है ना बड़ा, वो और वो धूमन धूमने ला गया करना जो, इधर देखिए उधर पर चले जाओ। अब चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे भी है मूर्ति वगैरह, देवता पर जो पूजा कर रहे हैं, हाँ बस यहीं पे, यहाँ पर जो पीपल देवता पर पूजा कर रहे हैं वो हुआ है। और उसके वहाँ पर शाम ना भाई यहाँ पे ना वॉक के लिए भी आवा, क्योंकि उधर तो उधर बिल्कुल पूरे में का वॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्पेस है। ये देखो कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं,
देखो इधर देखो पार्क बना रखा है अब इसको ना बिल्कुल वैसा छिलवा के वैसा पार्क कर देंगे, साफ कर देंगे यहाँ से सारे घास। गाइस चलिए देखते हैं, अब मैं आपको ना अपना शनिदेव मंदिर दिखाती हूँ अंदर से कैसा है ये। तो देखिए अंदर से हमारा शनिदेव मंदिर ऐसा दिखता है, देखिए। चलिए हम भी घंटी बजा देते हैं। चलिए हम आपको बाहर से दिखाती हूँ कैसा है। देखिए यहाँ पे गमले वमले लगा रखे हैं और यहाँ पे साइड में देखिए ये पार्क सा है, यहाँ पे टहलने की जगह है पूरी। देखिए यहाँ पे देख, अभी मैं गिरती, ये देखिए यहाँ पे है ना सीढ़ियाँ, पता नहीं ऊपर क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए ये बाहर भी है शनिदेव का, वो ये क्या है। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब हम नीचे उतर लेते, बहुत गर्म है बहुत गर्म है। चलो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे यहाँ भी पार्क है पूरा ऐसे टहलने के लिए। देखिए कितने पेड़ पौधे, हरियाली बहुत है हमारे गांव में और मंदिर में भी। देखिए चलिए गाइस चलते हैं अब, फिर यह गिरते गिरते बच गई। ये जो बार है ना इस पे ये तेल चढ़ाने के लिए बार बना दिया है, ताकि अंदर तेल चढ़ाए तो गिर जाते हैं, इसीलिए जैसे शनिवार को जोत और तेल चढ़ाने आते हैं ना वो तेल बार चढ़ा देते हैं उस पर और यहाँ पर जोत लगा देते हैं। ऊपर भी जाकर देखा कुछ नहीं है वैसे, टेरिस ये बना रखी बेटा और कुछ नहीं है। ये देखो भाई हमारे गांव में ना पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। ये देखो तो चलिए अब चलते हैं घर, और घर जाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। चलो आपको ये नहीं दिखाया, ये देखिए ये चौतरा बना रखा है यहाँ पर, यहाँ पक्षियों के लिए पानी, और जब भी जोत लगाने आते हैं तो यहाँ दलिया बाजरा गेहूँ जो भी होता है वो सब यहाँ डाल देते हैं, ताकि पक्षी जैसे कबूतर वगैरह आके खा सके। पहले ये वहाँ डालते थे मंदिर के पीछे तो ज़्यादा घिचपिच हो जाता था, अब ये अलग चौतरा बना दिया कि यहाँ डाल दो भाई, ज़्यादा किचकिच ना बाँचे इस मारे। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी घूमती रहती है, अगर किसी भी गाय को कुछ दिक्कत हो जाए, जो वे घूमती नहीं रहती गाय, अगर उनको तो इस नंबर पर कॉल कर दो, ये आप आके लेके जाते हैं। और गांव ने ऐसी गौशाला खोल रखी है कि भाई जो गायें बीमार हों टूटी फड़ जिनकी हड्डी वगैरह टूट जाए तो उनकी सेवा पानी करते हैं भाई गांव वाले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया था। चुके अपनी गली में, और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये है इनके छोटे दादाजी की बैठक, कभी इसका टूर बाद में करवाऊंगे आपको। ये उनका घर और ये पापा का घर, फिर इससे अगला एक ताऊ जी का घर, उससे अगला हमारा। देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी है ना आते ही सिलाई करने लग गई है, और कोई काम नहीं है मेरी मम्मी को। मम्मी कितने दिन मतलब कितनी देर तक करोगे भैया सिलाई आप? 3 बजे तक। कितने बजे थी? 2 बजे 3 बजे तक रोज का कंप्लीट करेंगे, चाहे 2 बजे हो जाओ चाहे 2:30 बजे हो, रोज का एक सूट काटना है मेरी मम्मी ने। और हाँ फिर उसी तरफाई करना, अरे एक रात फिर शाम में 4 से 5 बजे तक तरफाई करेगी, मंडी रहे आकर फिर 4-3 तक, अरे रात में दूसरा सूट काटेगी। हाँ देखा छोरे कितने छोरा कैप्चर बता, हाँ बोल रात को क्या करें, और फिर रात को है ना सूट एक नया काटेगी। ये देखो आग के नीचे ना डार्क सर्कल्स आ गए हैं, देखो बुढ़ापे देखो निशानी होने लगी है, देखो सारे सफेद बाल, देखो सफेद सफेद बाल भी ये हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डार्क सर्कल आने लगे। मेरे बड़े पापा इतना कहते हैं दूध पी लिया कर, नुक्कड़ लिया कर, सेब वेब सब लाया कर, मेरे बड़े पापा पर मेरी मम्मी है ला रहे हैं ना, लो ना बता मेरे बड़े पापा सब कुछ लाया कर है ना, दूध पीन के क्या कर है ना, पीती ना मेरी मम्मी कती भी रात रात में पीती होंगी मेरे बड़े पापा ने इतना कही है, जब जाके मम्मी कुछ पीने और खाने लगी है एक बार तो नहीं तो हमें तो ऐसा लगा था मम्मी को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा हमें। देखो यार ये सेब
देखो सेब सेब ला रखे मेरे बड़े पापा ने। अब मैं से खाऊंगी। हमें एक दिन तो चिंता होगी सभी को कि मम्मी तो गई हॉस्पिटलाइज करने की चेन हमने तो हमें तो बेचारी है ना 5 ग्राम खून था बस बताओ तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइड में बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं।